तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे पेटीएम से हम मान लो कि कोई भी बैंक में हमें रुपीस ट्रांसफर करने हैं तो हमारे पेटीएम वॉलेट से किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज उसके बारे में। सब्सक्राइब कीजिए नंदा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यहाँ पे पेटीएम से मनी ट्रांसफर हम डायरेक्टली बैंक में किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले पेटीएम ओपन करेंगे। ये पेटीएम ओपन हो जाने के बाद हम जाएंगे पासबुक में। पासबुक में जाके हम देखेंगे कि हमारे वॉलेट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक अकाउंट लिया, उसमें इतना 8,534 रुपये पड़े हैं, तो मुझे अभी ट्रांसफ़र करने हैं बैंक में। तो किस तरह से हम कर सकते हैं या किसी को बैंक में किस तरह से भेज सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे ओके और गोटिट पे क्लिक कर दूंगा। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है तो उसको पढ़ लो। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस टू बैंक लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ में पूछा जाता है अकाउंट नंबर। तो आप जिस भी बैंक में आपको डालना है उस बैंक के अकाउंट नंबर आप यहाँ पे कंफर्म करके डाल दीजिएगा। जैसे ये अकाउंट नंबर कंफर्म हो जाए उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर्स का नेम डालना है। तो यहाँ पे आप उसको भी अकाउंट होल्डर्स का नेम भी यहाँ पे डाल दीजिए। अभी मैं यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स का नेम डाल रहा हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद अकाउंट नंबर डाल दिया, अभी अकाउंट होल्डर का नेम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम मैं डाल रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अकाउंट होल्डर का नेम और अकाउंट नंबर अच्छी तरीके से सही डाले जाए। यहाँ के अकाउंट नेम डालने के बाद हमें एक और भी ऑप्शन आता है, वो है IFSC कोड। आपकी पासबुक में भी लिखा होगा या आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता तो आप यहाँ पे फाइंड पे जाके अपनी बैंक का नाम डालिए। उसके बाद आप स्टेट सिलेक्ट कीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आप सिटी सिलेक्ट कीजिए। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शाखा पूछी जाएगी, तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा आपका IFSC कोड और आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए जितनी आपको ट्रांसफ़र करनी है। लेकिन यहाँ से 100 से 5,000 तक की अमाउंट ट्रांसफ़र हो सकती है इस अकाउंट में। मैं यहाँ पे वो भी डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो नोटिस आ गया 100 से 5,000 तक का ही हो रहा है, तो वो डाल दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फी भी पे करनी पड़ती है। यहाँ पे 5,000 पे मुझे 149.86 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही OTP आएगा आप OTP यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। OTP आने में थोड़ी देर भी लग सकती है। मान लो कि OTP नहीं आ रहा तो रिसेंट OTP पे जाके क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई कर देने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। जैसे ही ये आ जाएगा तो उसके थोड़े टाइम में 1 से 2 मिनट में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगी 5,000 यहाँ पे क्रेडिटेड हो गए हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड 5,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये सब डिटेल्स आ गई। और यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली योर पेटीएम वॉलेट एक्सिस बैंक या सब कुछ आपने लिंक किया है तो वो सब देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।